नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं कुशाक टुडे लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बर्बाद फसल मवेशियों के हवाले, सोयाबीन और उड़द की फसल ने फिर दिया किसानों को धोखा। हंडिया में खरीफ की फसल किसानों के लिए विगत 6-7 वर्षों से बर्बादी का सबब बनती दिखाई पड़ रही है, जिसके चलते किसान दिनों दिन कर्ज में डूबता चला जा रहा है। एक ओर प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने के दावे कर रहा है, वहीं दूसरी ओर किसानों के सामने प्राकृतिक आपदा की मार कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी स्थिति इन दिनों हंडिया तहसील के खेतों में देखने को मिल रही है, जहां सोयाबीन की फसल पीली पड़कर खराब हो रही है। वहीं उड़द की फसल में भी रोग बढ़ने से फसल की फलियां टूटकर जमीन पर गिर रही है, जिसके चलते अपनी फसल को कटाई से महंगा देख किसान उसे मवेशियों के हवाले करने को मजबूर हो गए हैं। कृषक आलोक तिवारी ने अपने खेत में लगी 10 एकड़ जमीन की उड़द की फसल सोमवार को मवेशियों के हवाले कर दिया। किसानों का कहना है कि यह फसल कटाई से महंगी पड़ जाएगी। बीमारी की चपेट में आने से यह स्थिति सोयाबीन के खेतों में भी उभर कर सामने आ रही है। उड़द की फसल में इल्ली लगने के कारण तने में तो फलियां गिर रही थी, इस वजह से मैंने कटाई से महंगी होने के कारण से ये सब हवाले कर दिए। कितने एकड़ में लगी है आपकी उड़द? 9-10 एकड़ के लगभग में लगी है। आसपास में बाकी किसानों की क्या स्थिति है? इसी प्रकार की भी शिकायत है उन लोगों की भी, और वो भी विचार कर रहे हैं कि ढोर कर देने में ही फायदा, क्यों कटाई से महंगी लग रही है। झाड़ उठकर देखा तो उसमें से इल्ली निकल रही, तोड़ के देखा बीच में से, तो उड़द में इल्ली है कि सोयाबीन में? उड़द में, तने में है। हाँ, बीच में डाल में से निकल रही, वोड़ में से इल्ली। कितनी इल्ली निकली? यही 1-2 इल्ली। अच्छा, फसल उसी के चलते सूख रही है? हाँ, में यही बीमारी लग रही है, तने के अंदर ईल लग रही है, जिसके कारण फलियां जमीन पर गिर जा रही हैं और पूरी फसल बर्बादी के कगार पर है। अभी तक आपके किसान लोगों द्वारा क्षेत्र के इस संबंध में कुछ अधिकारियों को अवगत कराए कि नहीं? तहसीलदार हैं, कलेक्टर महोदय हैं जी? अभी तो कुछ किसानों ने, किसान संगठनों ने सर्वे किया है, अब करेंगे तहसीलदार को आवेदन। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन पर क्लिक करें।